गांधीनगर के ही धारा सभ्य श्री अल्पेश भाई ठाकुर, गांधीनगर की शहर की विधायिका श्रीमती रीताबेन पटेल, प्रोफेसर शैलेंद्र सराफ, फार्मास्यूटिकल सेक्रेटरी की नाइपर गांधीनगर को अपना एक परमानेंट घर मेरे मत क्षेत्र गांधीनगर के अंदर मिल रहा है। अब तक आप अस्थाई भवन में काम करते थे, अब इतनी बड़ी भूमि, मैंने अपर्णा जी को पूछा भूमि कितनी है, उन्होंने कहा 60 एकड़। उपेंद्र भाई ने भूमि देने में दिल खोल कर भूमि दी है भाई, एक बार गुजरात सरकार के लिए ताली बजाइए, 1 रुपये के टोकन दर पर। गुजरात सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, मेरे मित्र और मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी, केंद्रीय स्वास्थ्य और फार्मास्यूटिकल मंत्री डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया, गांधीनगर के प्रथम नागरिक श्री हितेश भाई मकवाना, गांधीनगर के ही धारा सभ्य श्री अल्पेश भाई ठाकुर, गांधीनगर की शहर की विधायिका श्रीमती रीताबेन पटेल, प्रोफेसर शैलेंद्र सराफ, फार्मास्यूटिकल सेक्रेटरी एस अपर्णा जी, चेयरमैन जायडस श्रीमान पंकज पटेल जी, चेयरमैन टोरेंट श्री समीर मेहता जी, श्री वीरंची शाह, नेशनल प्रेसिडेंट इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मुझे आज बहुत खुशी है कि नाइपर गांधीनगर को अपना एक परमानेंट घर मेरे मत क्षेत्र गांधीनगर के अंदर मिल रहा है। अब तक आप अस्थाई भवन में काम करते थे, अब इतनी बड़ी भूमि, मैंने अपर्णा जी को पूछा भूमि कितनी है, उन्होंने कहा 60 एकड़। भूपेंद्र भाई ने भूमि देने में दिल खोल कर भूमि दी है भाई, एक बार गुजरात सरकार के लिए ताली बजाइए, 1 रुपये के टोकन दर पर भूमि दी। मित्रों, मोदी जी की कल्पना से बने 7 नाइपर, जिसमें से कुछ काम करने लगे हैं, कुछ बन रहे हैं और कुछ अस्थाई भवनों में काम करें। ये नाइपर ज्ञान, शिक्षा, अनुसंधान और व्यापार चारों को जोड़ने वाला एक सेतु बनकर भारत को फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र के अंदर आत्मनिर्भर बनाने की एक नींव रखने का बड़ा काम ये नाइपर संस्थान कर रहे हैं, और उसमें से एक आज यहां पर इसके स्थायी भवन में आज से शुरू होने जा रहा है। लगभग 60 एकड़ क्षेत्र के अंदर 8 भवनों में फैला हुआ ये नाइपर आने वाले दिनों में न केवल देश बल्कि दुनिया के औषधि के क्षेत्र के अंदर मानव जीवन को स्वास्थ्यपूर्ण और संपूर्ण बनाने के लिए बहुत बड़ा योगदान करने वाला है। यहां पर केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, पशुगृह, छात्रावलय, अध्यापकों के निवास, ऐसे कई प्रकार के बिल्डिंग
इसके अंदर बने हैं और अभी लगभग लगभग 507 विद्यार्थी यहां पर इस नाइपर में जो स्टडी कर रहे हैं, कुछ बैठे भी हैं, इनके चेहरे पर मुस्कान दिखाई पड़ती है। इन सभी लोगों के लिए ये बहुत खुशी का मौका है कि इतने बड़े क्षेत्र के अंदर आगे आपका विद्याभ्यास आगे बढ़ने वाला है। पिछले 3 वर्षों से गांधीनगर नाइपर देश के टॉप 10 फार्मेसी संस्थानों के अंदर सूचीबद्ध, भवन बनने के पहले ही आप टॉप 10 में है। मैं आशा करता हूं कि सुविधा बढ़ने से टॉप पर आने का आपका निश्चित ही प्रयास रहेगा और मुझे विश्वास है ये जो क्षेत्र है गांधीनगर की भूमिका, ये एक प्रकार से विद्याभ्यास की वायुमंडल वाला क्षेत्र है। यहां पर लॉ यूनिवर्सिटी है, यहां पर नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है, यहां पर रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी है, यहां दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी है और आज यहां पर नाइपर भी शुरू हो रहा है। ये विद्याभ्यास का जो वायुमंडल है ये सभी शिक्षा संस्थानों को एक नई ऊर्जा देगा। मित्रों, नाइपर का लक्ष्य होना चाहिए औषधि के क्षेत्र में सिर्फ शिक्षा नहीं, अनुसंधान मतलब रिसर्च के क्षेत्र में भी दुनिया की टॉप इंस्टीट्यूट बनने का हमने लक्ष्य रखकर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक अनुसंधान के क्षेत्र में भारत अपना पदार्पण नहीं करता है, अपनी महारत हासिल नहीं करता है, हम विश्व के औषधियों के निर्माण के क्षेत्र में अपना दबदबा नहीं बना सकते। नाइपर अहमदाबाद ने स्वयं को अभी से एक प्रसिद्ध उत्कृष्टता का केंद्र के रूप में स्थापित किया है। मुझे भरोसा है कि आने वाले दिनों में इसको आप और आगे बढ़ाएंगे। नाइपर का विचार जिन उद्देश्यों के साथ किया गया, इसमें शिक्षा, रिसर्च, क्वालिटी और एक्सेलेंस चारों को मिलाकर इसको व्यापार के साथ जोड़ना है, उत्पादन के साथ जोड़ना है, लोगों की सेवा के साथ जोड़ना है। फार्मेसी एक ऐसा क्षेत्र है मेडिकल विज्ञान की तरह जिसमें शिक्षा सिर्फ व्यक्ति को फायदा नहीं करती। फार्मेसी के क्षेत्र में शिक्षा मानव जीवन को स्वस्थ और सुदीर्घ बनाने के लिए भी बहुत उपयोगी है। इसलिए यहां पर जो कोई विद्यार्थी अभी विद्याभ्यास कर रहे हैं, आप लोग अपना करियर तो अच्छा बनाएंगे ही, जीवन में अच्छी पोजीशन भी प्राप्त करेंगे, साथ ही साथ करोड़ों लोगों के अच्छे जीवन का कारण भी आपका विद्याभ्यास बनने वाला है। ये बात सदैव आपको याद रहनी चाहिए। आज भारत में 7 नाइपर बने हुए हैं। मोहाली और गुवाहाटी दोनों पूर्ण रूप से कार्यरत थे, आज तीसरा नाइपर गांधीनगर का पूर्ण रूप से कार्यरत होने जा रहा है। हाजीपुर, हैदराबाद, कोलकाता, रायबरेली, ये चारों स्थानों पर कंस्ट्रक्शन का काम प्रगति पर है। मित्रों,